ब्रोकर के बारे में कहा जाता है कि दो दुखी इंसान को सुखी बनाने का काम करते हैं। जैसे एक बायर को प्रॉपर्टी बाय करके उनको सुखी करते हैं और एक सेलर को उनकी प्रॉपर्टी सेल करके उनको सुखी कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि क्या वाकई में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किसी एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है, जिसे हम ब्रोकर, दलाल या रियल्टर कह सकते हैं। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। ये वीडियो उन तीन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, यानी बिल्डर, ब्रोकर और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करना चाहते हैं हमारे ग्राहक। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों लोगों को ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में होने वाले आपके नुकसान से आप बच सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे 11 स्क्वायर फीट चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदार किसी एक्सपर्ट ब्रोकर, दलाल या रियल्टर के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उनको निम्नलिखित चार बातों से बेनिफिट होने हो सकता है। एक, मार्केट एक्सपर्टाइज, दो, नेगोशिएशन स्किल, तीन, लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और चौथी, प्रोफेशनल नेटवर्क। इन चारों बातों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। नंबर एक, मार्केट एक्सपर्टाइज। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आप आपके प्रोफेशन में काफ़ी एक्सपर्ट हो, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको अदर प्रोफेशन का भी एक्सपर्ट नॉलेज हो। इसीलिए हम लोग हमेशा किसी एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि मुझे किसी डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता, तो मैं किसी एक्सपर्ट को हायर करके वो काम कर लेता हूँ और मुझे जो काम आता है उसमें मैं अपना फोकस करता हूँ। यदि आपको रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप किसी एक ब्रोकर, दलाल या रियल्टर को आपका एक्सपर्ट बना सकते हो, आपका एक एडवाइज़र बना सकते हो आप। उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, क्योंकि वो ब्रोकर को उस मार्केट के बारे में, उस प्रॉपर्टी के बारे में अधिक नॉलेज होता है। उस प्रॉपर्टी के स्ट्रेंथ और वीकनेस वो हमेशा जानता है और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का रिलेशन रखने के लिए वो आपको अच्छी प्रॉपर्टी ही हमेशा सजेस्ट करेगा। इसलिए एक मार्केट का जो एक्सपर्ट ब्रोकर है, उसके साथ आपको प्रॉपर्टी देखना चाहिए। नेगोशिएशन स्किल। जी हाँ, नेगोशिएशन स्किल। कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप खरीदते हो, तो उसमें प्राइस ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने सही समय पे सही प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपको भविष्य में वो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए तकलीफ नहीं होगी। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी बिल्डर के पास आप डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओ या किसी ग्राहक से आप डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी खरीदो, तो वो आपको नेगोशिएशन ना करें। लेकिन परंतु यदि आप किसी ब्रोकर के थ्रू वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, तो काफ़ी हद तक चांसेस है मित्रों कि वो आपको अच्छा नेगोशिएशन करके देंगे। ये मैं अपने 12 सालों के अनुभव से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक ब्रोकर को उस प्रॉपर्टी के बारे में सारी कमी और खूबियाँ पता होता है और एक बिल्डर के लिए एक ब्रोकर बहुत ही अहम रोल अदा करता है, क्योंकि एक बिल्डर के लिए एक ग्राहक मात्र एक प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, लेकिन उस ब्रोकर के थ्रू अगर वो कस्टमर को लाते हैं, तो हो सकता है कि एक ब्रोकर 100 कस्टमर दे। इसीलिए बिल्डर भी काफ़ी हद तक किसी भी ब्रोकर की बात मानने पे एग्री हो जाते हैं। तो नेगोशिएशन अगर करवाना है, तो आपके साथ एक अच्छा एक्सपर्ट ब्रोकर, दलाल या रियल्टर आपके साथ होना ज़रूरी है। लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि यदि आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो किसी एक्सपर्ट को हायर कर लीजिए। जब भी हमारे किसी लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में हमको ज़रूरत होती है, तो हमेशा हम एक किसी लीगल एडवाइज़र को हायर करते हैं। आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, एक ब्रोकर को भी काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नॉलेज आ जाता है, वो भी आपको काफ़ी हद तक गाइड कर सकता है। आप कोई भी प्रॉपर्टी जब भी खरीदो, तब बिल्डर और आपके बीच में होने वाले सौदे में ब्रोकर एज अ गवाहीदार भी आपके साथ रह सकता है। आपकी बुकिंग से लेकर पोजीशन तक सारी प्रोसेस में एक ब्रोकर, एक दलाल, एक रियल्टर खड़ा रहता है। आपका जो भी पेपर का डॉक्यूमेंटेशन करने की प्रोसेस हो, एक रियल्टर आपको करके दे सकता है। आने वाले वीडियो में हम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और बैंक लोन से रिलेटेड अधिक जानकारी हमारे इस YouTube चैनल में या Facebook चैनल में हम आपको और भी देने वाले हैं। यदि दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पे एक नोटिफिकेशन आ जावे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चौथा पॉइंट,
प्रोफेशनल नेटवर्क। जी हाँ, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, सबसे पहले आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो ऑनलाइन, पेपर एड या इत्यादि कोई भी माध्यम से। उस प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद हो सकता है कि सिर्फ आप वो एक ही प्रॉपर्टी देखो, लेकिन आप किसी रियल्टर ब्रोकर के थ्रू यदि कोई प्रॉपर्टी आप देखते हो तो वो आपको एक नहीं चार ऑप्शन दिखाएगा। आपको पसंद आती है, आपके बजट में होती है तो आप उसको फाइनल कर सकते हो। दोस्तों, यदि उस ब्रोकर ने दिखाई हुई प्रॉपर्टी आपको पसंद नहीं भी आई तो भी इस ब्रोकर या रियल्टर का इतना अच्छा एक प्रोफेशनल नेटवर्क हो जाता है, आपके बजट में आपके पसंद की प्रॉपर्टी ये आपको सहज ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी पे अपने को बैंक लोन लेना होता है और काफ़ी ग्राहकों को बैंक लोन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो इनका बैंकों से भी काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट होता है, ये बैंक लोन भी आपको इजीली करवा दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पे यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी कीमत 25 लाख रुपए की हो। यदि आप किसी एक्सपर्ट ब्रोकर के थ्रू वो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, वो ब्रोकर आपको काफ़ी हद तक चांस है कि नेगोशिएट करा के दे, हो सकता है कि वही प्रॉपर्टी आपको वो 24 लाख में दिला दे। और इस प्रॉपर्टी के डीलिंग पे हो सकता है कि आप मिनिमम 2% यानी एक करीबन 24 लाख रुपए के आप 50,000 रुपये पकड़ के चलो, मोटा माटी आपने उनको कमीशन दे दिया, फिर भी कुल मिला के ये फ्लैट आपको पड़ा 24,50,000 रुपये में। 2 साल के बाद यदि ये फ्लैट आपका 30 लाख रुपए में बिकता है तो 2 साल में आप करीबन 55 लाख रुपए के आसपास में प्रॉफिट गेन करोगे। दोस्तों, एक ब्रोकर ने हमको कोई प्रॉपर्टी खरीद के दिए और 2 साल बाद उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी बेच के दिए विद 5 लाख रुपए प्रॉफिट के साथ। उन्हें हमने 2 साल में एक रिलेशन मेंटेन किए, 2 साल के लिए उन्हें हमने सिर्फ 2% दिए थे। 50,000 को अगर 24 महीने से हम लोग डिवाइड करेंगे तो करीबन 2,000 रुपये के आसपास हमने उनको हर महीने के दिए। आजकल 2,000 रुपये आप कहाँ नहीं खर्च करते, तो कभी भी एक रियल इस्टेट एक्सपर्ट या दलाल ब्रोकर को हमारे साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ, ये रियल इस्टेट का एक बिजनेस 2 चीज़ों पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है। एक, ईमानदारी। आपकी ईमानदारी अपने ग्राहकों के प्रति, अपने बिल्डर्स के प्रति होना चाहिए। दूसरा, एक सिस्टम। जब भी ये बिजनेस कोई भी ब्रोकर्स या रियल इस्टेट का एग्जीक्यूटिव करता है, इसको एक सिस्टम के साथ बिजनेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हो सकता है कि कोई एडवोकेट चाहते हैं कि लोग आपस में झगड़ा करें और उनके केसेस हमारे पास लाएं। हो सकता है कि कुछ डॉक्टर लोग चाहे कि मरीज की तबीयत खराब हो और वो हमारे हॉस्पिटल में इलाज करना है। हो सकता है कि कुछ लोग सोचे कि लोग कर्जा ले और उसके इंटरेस्ट में हमारी बैंक चले। लेकिन दोस्तों, एक ब्रोकर, एक रियल इस्टेट में काम करने वाला एक रियल्टर कभी ये अपने ग्राहक के बारे में नहीं सोचता कि वो प्रॉब्लम में जाए। हमेशा वो सोचता है कि हमारा ग्राहक अपनी असेट बनाए, एक नहीं वो 4 प्रॉपर्टी अपने जिंदगी में करे, वो फले फूले तभी इसको इनकम हो। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतने पेशेंस के साथ मेरा ये चैनल अभी अंत तक देखा। दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आता है तो अपने कम्युनिटी में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, हमारी पर्सनल वेबसाइट, हमारा ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ दिए, आप हमारे से संपर्क साध सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।